गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन मैथ्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल का अगला पार्ट। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने डेसिमल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ द डेसिमल। वी नो वेरी वेल डेसिमल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। इफ आई राइट ए नंबर 41.36 देन इट इज द होल पार्ट एंड दिस इज द डेसिमल पार्ट। Decimal part is right to the decimal and a whole part is left to the decimal. After that, place value of a decimal number. Place value of whole number we know very well. If a number is 432, then the place value of this number is 1's place, 10's place, 100's place. तो वंस प्लेस पे प्लेस वैल्यू 2 होगी, टेंथ प्लेस पे प्लेस वैल्यू 30 होगी, और 4 की 100 प्लेस पे प्लेस वैल्यू क्या होगी 400। व्हेन वी मूव फर्दर टू द डेसिमल पार्ट देन व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट इज आफ्टर राइट टू द डेसिमल। डेसिमल से राइट में फर्स्ट डिजिट होता है हमारा वो होता है टेंथ, वो हमारा होता है टेंथ। दूसरा डिजिट जो होता है हमारा वो होता है हंड्रेड्थ, एच यू एन डी आर ई डी टी एच लग जाएगा यहाँ पे, वो होता है थाउजेंड। आगे होता है 10,000। अब इसका मतलब क्या है, जब हम एस लगाते हैं एस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जब हम टी एच लगाएंगे टी एच का मतलब है हमारे पास डिवाइड। जैसे वंस प्लेस पे वैल्यू थी, इसकी वैल्यू वंस प्लेस पे तो 1 मल्टीप्लाई 1, टेंथ प्लेस पे तो 4 मल्टीप्लाई 10 है। जब टी एच की बात है टेंथ प्लेस पे है तो टेंथ प्लेस पे 1 बाय 10, हंड्रेड प्लेस पे 1 बाय 100, थाउजेंड प्लेस पे 1/1000 है, 1/10,000 है। अब एक नंबर लिखता हूं मैं यहाँ पे 43.3987। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट की प्लेस वैल्यू पूछिए तो 3 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 3। कौन सा प्लेस है, डेसिमल के जस्ट बाद का पहला डिजिट है, जस्ट बाद का पहला डिजिट जो होगा वो क्या होगा डिवाइड बाय 10। 9 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 9/100। 8 की प्लेस वैल्यू जो होगी वो होगी 8/1000, क्योंकि ये थर्ड डिजिट है। जितने डेसिमल के बाद जौन से नंबर का डिजिट है उतनी ही जीरो फिल कर देंगे। और आगे 7 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी 7/1000। गॉट इट। यहां तक हमने पढ़ा, अब एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम। एक प्लेस वैल्यू का एग्जांपल और लेते हैं डेसिमल का। डेसिमल की प्लेस वैल्यू का एक एग्जांपल और हमारे पास 0.976। अब इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 9 फर्स्ट डिजिट है, एक जीरो लग जाएगी 9/10 है, 7 दूसरा डिजिट है, दो जीरो लग जाएंगी, 6 तीसरा डिजिट है, तीन जीरो लग जाएंगे। दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डेसिमल पार्ट। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल। एडिशन ऑफ डेसिमल मींस डेसिमल को ऐड करना है। मेथड क्या हुआ हमारा, पुट डेसिमल पॉइंट टू द अंडर द डेसिमल पॉइंट एंड टेंथ प्लेस टू द टेंथ प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस टू द हंड्रेड्स प्लेस, वंस प्लेस टू द वंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस टू द हंड्रेड्स प्लेस। देखिए कैसे हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। यहां पॉइंट है तो यहां भी पॉइंट होना चाहिए। ये हमारा टेंथ प्लेस है तो यहां भी टेंथ प्लेस और यहां भी टेंथ प्लेस का डिजिट होगा। अब देखिए कैसे, एड 3.45 एंड 15.9। अब इसको ऐड करना, अभी हमें ऐड करेंगे 3.45 डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से राइट में जो टेंथ प्लेस है वो क्या हमारा 9 है, हंड्रेड प्लेस हमारे पास नहीं है, इस साइड जो हमारा वंस प्लेस 5 है, टेंथ प्लेस 1 है, ऐसे लिखेंगे। अब डेसिमल जो खाली पॉइंट रहेगा वहां जीरो फिल करेंगे, जीरो फिल कर दिया पे 5 का 5, 9 प्लस 4 13 है, 8 प्लस 3 5 प्लस 3 8 है, 8 और 1 9 है, और 1 का 1। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐड का जो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि तीन डिजिट को ऐड करना, डेसिमल के तीन डिजिट को एंड सो ऑन। तीन डिजिट की वैल्यू लिख देता हूं मैं, 0.987 प्लस 15.43 प्लस 432.9। इसको ऐड करना, ऐड कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल 0.987 देन डेसिमल के नीचे डेसिमल, आगे 5/115 है, इस साइड फिल करेंगे 43, डेसिमल के नीचे डेसिमल 2, 3, 4, यहां 9 है। अब ये प्लेस खाली, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। नाउ यू कैन ऐड वेरी इजीली।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही है। एडिशन में हमने क्या किया था, ऐड किया था, सब्ट्रैक्शन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं 98.4 माइनस 35.59। तो स्टेटमेंट हमारी ऐसे 35.59 है। अब ऊपर वाला प्लेस खाली, यहाँ जीरो फिल कर देंगे। 10 माइनस 9 1, यहाँ कितना रह गया 3, 3 में से 5 नहीं घटेगा। 13 माइनस 5 8 है, यहाँ रह गया 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 3 6 है। दिस इज द आंसर। इफ आपको सब्ट्रैक्शन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया गया है, आपको कह दे कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 9.34 फ्रॉम 89.94। अब क्या करेंगे, देखो इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ऐसे आएगा ये, ऐसे लगता है। पीछे वाले डिजिट में से पहली डिजिट को क्या करना है, माइनस करना है। तो बड़ी डिजिट हमारे पास 89.94, नेक्स्ट डिजिट जो हमारे पास यूनिट है 9.34, माइनस करना, माइनस कर सकते हैं 4.40, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 9 0 एंड 8 का 8। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। कई बार ऐसे क्या देता है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 9.8 एंड 12.57 फ्रॉम 101.4। अब इसका मतलब क्या है, देखो इन दोनों के सम को इसमें से क्या करना है, माइनस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ऐड करो, 9.8 है, 12.57, यहाँ 7 का 7, 8 और 5 13, 9 प्लस 2 11, 11 और 1 12 और 1 प्लस 1 2, दिस इज द सम। अब इसके सम को, इस सम को हमें माइनस करना है इसमें से 101.4 डिवाइड माइनस 22.37। अब माइनस हमने सीखा था, यहाँ पे वी कैन सॉल्व इट इजिली। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको दिया जाता है कि वर्ड्स प्रॉब्लम दे देता कई बार आपको। अब वर्ड प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, हम वर्ड प्रॉब्लम होती तो हमारे स्टेटमेंट वाले सम है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब स्टेटमेंट वाले समों में आपको एक स्टेटमेंट को सिर्फ समझने की जरूरत होती है, बाकी सेम एज इट इज है, प्लस माइनस के ही सम है। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, यहां क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, सम ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज 98.34 एंड 1 इज 34.45, फाइंड अदर भी। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझो क्या कहता है कि, क्वेश्चन ये कहता है कि दो नंबरों का जो जोड़ है, सम है, वो इतना, हर एक नंबर इतना दे रखा है। अब मैं कहूं आपके पास कि दो नंबरों का सम तो 20 है, जिसमें से एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर बताओ। अब हमें पता है कि एक 20 का जोड़ है, दो नंबरों का जोड़ 20 है, एक 10 है, तो दूसरा भी कितना बच गया, 10। कैसे किया, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। बड़ी स्टेटमेंट ये है, छोटी स्टेटमेंट ये है, माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब कई बार ये कहता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब आगे क्वेश्चन इस टाइप का दे सकता है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 89.34 टू गेट 54.5। अब यहां देखेंगे क्या करना है, यहां भी वही बात है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। अब ये कहते हैं इसमें से कितना घटाया जाए कि ये बन जाए, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। गॉट इट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एक टोकरी है, मान लीजिए वेजिटेबल खरीदे भाई किसी ने, राम बोट वेजिटेबल। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, अब आपको दे दिया 3 kg 50 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे या ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब मान लीजिए, चलो मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको, ये इतने तो पोटैटो खरीदे उसने, 2 kg 200 ग्राम उसने क्या खरीदे, टोमेटो खरीदे, 5 kg 20 ग्राम उसने क्या खरीदे, ऑनियन खरीदे। टोटल वेट बताएं, टोटल वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो सभी को किलोग्राम में कन्वर्ट करो या सभी को ग्राम में कन्वर्ट करो।
एक क्वेश्चन पहले मैं आपको इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 3 kg आपके पास पहले से ही है, 3.3 kg है, प्लस अब 50 ग्राम। अभी हमें यूनिट कन्वर्जन पहले वीडियो में देखा था कि यूनिट कन्वर्जन अब छोटी से बड़ी यूनिट बना रही है, डिवाइड करेंगे। ग्राम किलोग्राम का जो रिलेशन होता है वो 1000 का होता है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 + 0.050 और ऐड करके लिखूंगा 3.050 किलोग्राम। दिस इज यूनिट कन्वर्जन। अगला 2 kg 200 g, 2 kg 200 g, तो वही बात है, 2 kg पूरे हैं, 200 g के किलोग्राम बना लो भाई, डिवाइड बाय 1000 तो कितना आ जाएगा 2.200 किलोग्राम। नेक्स्ट का करेंगे तो आ जाएगा 5.020 किलोग्राम। अब टोटल निकालना, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है आपको, यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है आपको करने आने चाहिए। अब रिलेशन का आपको पता होना चाहिए, ग्राम किलोग्राम में क्या रिलेशन है। जब हम पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जब हम बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके रिलेशन से, और छोटी से बड़ी की तरफ आते हैं तो डिवाइड करते हैं उसके रिलेशन से, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया। इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको आते हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।